तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% हो तो 2a माइनस 3b अपान a प्लस बी का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन कहा है कि यदि a प्लस बी का 40% और a माइनस बी का 60% आपस में बराबर हैं तो यहाँ से हम a और b के बीच में रिलेशन निकालेंगे। जैसे a प्लस बी, हम इसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का 40% का दिया हुआ है तो इसका मतलब गुणा, यानी a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, यानी a माइनस बी का 60%। तो यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 20 दूना 40, 20 दिया 60। अब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी गुड़े 2 बराबर a माइनस बी गुड़े 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का a में गुणा होगा तो 2a प्लस 2b, और इधर हो जाएगा 3 का a में गुणा करेंगे तो 3a माइनस 3b। अब यहाँ पे 3a है और यहाँ 2a है तो पक्षांतर करेंगे तो इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, और यहाँ से पहले से 2b है और माइनस 3b को पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 3b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2b प्लस 3b ये हो जाएगा 5b इक्वल 3a में से 2a घटा देंगे तो बचेगा a। ये हो गया रिलेशन। अब इसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें निकालना है 2a माइनस 3b अपान a प्लस बी का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे 2a माइनस 3b अपान a प्लस बी। अब इसका मान निकालना है तो हमें a की जगह 5b रख देना है, तो 2 और a की जगह जहाँ यहाँ a है तो उसकी जगह हम 5b रख देंगे, यानी 5b माइनस 3b पहले से है अपान यहाँ a की जगह हम रख देंगे 5b प्लस b। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10b 10b माइनस 3b बटा 5b प्लस b हो जाएगा 6b। अब 10b माइनस 3b यानी 10 में से 3 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 7b बटा 6b, 6b हो जाएगा। यहाँ b से b कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 7/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऊपर ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी का 20% बराबर बी का 50% हो तो 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी का मान क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में a प्लस बी का मान दिया हुआ है, इसी का हम 20% निकालेंगे बराबर b का 50%, आपस में बराबर है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे तो 2a प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो 2b बराबर यहाँ पे है 5b। तो 2a पक्षांतर करेंगे तो ये 2b इसमें से जा करके 5b इसमें से 2b घट जाएगा तो बचेगा 3
बी। हमें देखिए 2A और 2A दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए 2A बराबर हो जाएगा 3B, तो जहाँ जहाँ 2A है वहाँ हम 3B रख देंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2A माइनस बी, 2A माइनस बी बटा 2A प्लस बी, 2A प्लस बी। अब इसका हमें मान निकालना है, तो 2A के जगह हम 3B रख देंगे। तो यहाँ 2A है तो यहाँ हम लिख देंगे 3B माइनस बी बटा 2A है तो फिर यहाँ हम 3B लिख देंगे और प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3B में से एक बी घट जाएगा, तो हो जाएगा 2B बटा 3B और प्लस 1B, यानी हो जाएगा 4B। इसको सॉल्व करेंगे तो बी से बी कट जाएगा और 2 2 4 यानी यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन में 1/2 कहाँ पे है, पहले नंबर पे, यानी ए नंबर ए सही हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है, तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है? ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे देखिए क्वेश्चन समझिए, यदि ए का 90% बी का 30% आपस में बराबर है, तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है? देखिए हम सीधे यहाँ सॉल्व करेंगे, ए गुणे 90% बराबर बी गुणे 30%। यहाँ भी हम काट देंगे, 30 90% से परसेंट कट जाएगा, यानी 3A बराबर बी। यहाँ हम लिख सकते हैं ए बट्टा बी बराबर, ये पक्षांतर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि ए का मान है 1, बी का मान है 3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बी क्या है, इसीलिए देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि बी बी का मान है 3, ए के तो ए का मान है 1 कि कितने प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो बराबर 1 से भाग देने से कोई मतलब है नहीं, 3 × 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 300%। तो देखिए 300% ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ डी, तो ये हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।